कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अपनी फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था। ऐसे में मेरे सामने एक दोस्त का पोस्ट आया जिसमें वो अपने दोस्तों यारों के साथ कहीं नॉर्दर्न एरियाज में घूम रहा था। अब ये तो इंसानी फितरत है कि जब कोई दूसरा कुछ नया कर रहा होता है तो वही करने का आपको भी दिल चाहता है। तो देखते ही देखते चंद दोस्तों के साथ हमारा भी एक सफ़र का प्लान बन गया। अब साथ ही साथ एक और बात से आगाह कर दूं मैं आपको कि जब आप जहाज में बैठे हो और आपको विंडो सीट मिल जाए तो आप खुद को फैज अहमद फैज समझने लगते हो और अंदर से कुछ ना कुछ शायरी आना शुरू हो जाती है। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज कर देता हूँ कि खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफर कर रहे हैं हम। कभी मैं शायर कभी गहरी बातों में माहिर, कभी मैं शोला कभी मैं खाक में सोया हुआ सफ़र। सफ़र को आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले शाहरुख खान का कोई गाना आ जाएगा और फिर उसके फौरन बाद राजेश खन्ना की कोई 1970 की फिल्म आ जाएगी। लेकिन जब आप सफ़र तय करने का सोचते हो तो आपके दिमाग में एक प्लॉट बना होता है कि भाई हम यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ से वहाँ। इसी तरह जो हमारी पहली यहाँ से वहाँ थी वो थी सैफुल मुल्क। थोड़ी देर सैफुल मुल्क पर घूमने फिरने के बाद हम चल दिए आंसू लेक की तरफ। अफसोस की बात यह है कि आंसू लेक का कोई शॉट हम ले नहीं पाए क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि आंसू लेक किस तरह की दिखती है।